कराल का नाही काय नाही बघा देवी, आज आप जो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसका कुछ कारण है। तो इसका कारण है कि इस भारत में कोरोना वायरस ये जो बीमारी है, इस बीमारी के कारण हमें ये सबको मास्क लगाना है। जब भी हमें छींक आती है या कोई खांसी आती है तो ऐसे में जो जीवाणु होते जो अदृश्य होते हैं वो अदृश्य जीवाणु हमारे खांसने से छींकने से सामने वाला जो भी आदमी होता है उसके ऊपर वो हावी हो जाते हैं और उस पर फिर वो बीमारी उस पर प्रभाव करती है और काम करती है। भगवान बुद्ध ने बताया है कि हर दुख संसार में है और दुख का कारण भी है और दुख का कारण का निवारण भी है। जैसे कि हर बीमारी उत्पन्न होती है और हर बीमारी की दवा भी निर्माण होती है। संसार में 2563 भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर आज तक जो भी बीमारी मानव जाति को पक्षी प्राणी को जो भी बीमारी निर्माण हुई है उस बीमारी का दवा निकली है। जैसे कि HIV है, स्वाइन फ्लू है, अनेक बीमारी हर साल के बाद निकलती रहती है, उसकी दवा भी खोज होती है। यानी कि हर दुख की दवा है। इसलिए भगवान बुद्ध ने ये बताया है, इसलिए हम ये मास्क हर मानव को हर इंसान को देते हैं और उनको इससे सावधान कर रहे हैं। इसलिए आज आखरा अप्रैल है और आखरा अप्रैल का आज माता फुले जयंती है। इसलिए हम सभी माता फुले विचारधारा व्यक्तियों को सूचित करना चाहते हैं कि सब मिलके एकता होके या भीड़ बना के कोई भी जयंती ना मनाएं और हम घर ही महात्मा फुले इनको प्रतिमा को फूल अर्पण करें या दिया जलाए या महात्मा फुले के जो विचार है उनका किताबों का पठन करें और किताबें पढ़ें और उनके विचारों में आज का दिन पूरा उनके विचारों में निर्माण करें। और इसी तरह आगे चल के 3 दिन के बाद 14 अप्रैल को बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जयंती आने वाली है और इस जयंती पर सभी भीम सैनिक बौद्ध जन समुदाय बहुत एकत्रित होते हैं और बहुत बाजा लगा के ऐसे बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं। लेकिन इस कोरोना वायरस की बीमारी के कारण हम सब भीम सैनिक या लोग एकत्रित नहीं आ पाएंगे और अगर आए तो हमें बहुत सारी बीमारी और बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए सभी भीम सैनिक जागरूक हो जाए, सभी भारतीय लोग जागरूक हो जाए कि 14 अप्रैल को हम सुबह अपने ही घर दाल चावल जो भी हो खाना बनाए और 14 अप्रैल को 7:14 को रात को हम 14 मेनबत्ती जला के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी 14 अप्रैल मनाए। हर भीम सैनिक, हर बौद्ध व्यक्ति, हर बौद्ध विचारधारा के व्यक्ति अपने घर में रात को 7:14 के बाद 14 मेनबत्ती जला सकते हैं और बाबा साहब के जो भी विचार है उन विचारों पर अपने जो परिवार है सब परिवार मिलके वहां पर बाबा साहब के विचारों पर हम चिंतन और मनन कर सकते हैं और सभी इस मानव जाति के जो भी हर धर्म के हर जाति के जो भी व्यक्ति है वह हर कोई अच्छे पुण्य कर्म कर सकते हैं। तो मैं बाबा साहब की 14 अप्रैल के अवसर पर सभी भीम सैनिकों को सूचित करना चाहता हूँ, जो भी गरीब है, जो पीड़ित है, जो दुखी है, जो झोपड़ी में रहते हैं उनको खाना नहीं मिल रहा है तो उनको इस 14 अप्रैल पर हर भीम सैनिक अपने अपने सहायता से अपने अपने दान निधि से हर कोई
अपने गरीब लोगों को खाना खिलाए और जो भी बीमार है तो उनको दवा दे, क्योंकि दो ही दुख के कारण है, जो बीमार पड़ता है उसको दवा की जरूरत होती है और जिसे पेट में आग लगती है, भूख लगती है, उसे खाने की जरूरत है। तो संसार में सबसे बड़ी दुख की घटना अभी ये दोनों है, इसलिए 14 अप्रैल को सभी लोग खाना खिलाए, जो गरीब है उनको दान दे और बाबा साहब की जयंती अच्छे पुण्य कर्म में संपादित करें।